वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका केवीएस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, टाइम बहुत कम है, उस हिसाब को देखते हुए मैं केवल आपके लिए जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए रिवीजन क्लासेस लाई हूँ, जिसमें से 665 क्वेश्चन का रिवीजन है। और इसको आप पढ़ लेंगे तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। फिजिकल एजुकेशन 100 क्वेश्चन आपका बहुत ही बेटर जाएगा। जैसा कि दोस्तों यह 10-15 पार्ट में होगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं मैराथन क्लास नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसी कई पार्ट में डिवाइड करके आपको दे रही हूँ और सुबह शाम दोनों टाइम दूंगी, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि एथलीट पद की उत्पत्ति कहां से हुई। तो दोस्तों, जो एथलीट पद है इसकी उत्पत्ति हुआ ग्रीस से, यानी यूनान से। जैसे ही मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी दोस्तों, केवल क्वेश्चन का आंसर देते जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट पद का अर्थ था क्या था। दोस्तों, पहले एथलीट का मतलब पहले होता था प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे। तो दोस्तों, ग्रीसवासी व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्शवाक लिखा हुआ है। तो यहां इसका सही जवाब होगा मेरेन आगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में पोसिडॉन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया। पोसिडॉन देवता दोस्तों समुद्र देवता को कहा जाता है, और यह इस्थिमियन खेल के खेल को खेला जाता था पोसिडॉन देवता के सम्मान में। जैसा कि दोस्तों एथेंस काल में पानहेलिक खेल होता था, जिसमें चार खेल ओलंपिक, पीथियन, इस्थिमियन, निमियन, चार खेल हुआ करता था, जिसमें जो ओलंपिक होता है वो तो जीएस देवता के सम्मान में होता था, और पीथियन जो होता है वो अपोलो देवता सूर्य देवता के सम्मान में होता था, जो इस्थिमियन है वो पोसिडॉन यानी कि समुद्र देवता के सम्मान में होता था, और निमियन जो है जीएस देवता, ओलंपिक और निमियन जीएस देवता के सम्मान में होता था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए। तो जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक और निमियन खेला जाता है, तो इसमें ऑप्शन है निमियन, और निमियन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे। दोस्तों, तो अपोलो देवता यानी कि सूर्य देवता के सम्मान में पीथियन खेल खेला जाता था। कौन सा खेल? पीथियन खेल। ओलंपिक खेल आपका जीएस देवता के सम्मान में, पीथियन और अपोलो यानी सूर्य देवता के सम्मान में, इस्थिमियन पोसिडॉन यानी समुद्र देवता के सम्मान में, निमियन भी आपका जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था। तो 394 ईसा पूर्व में थियोडोसियस रोम के सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद पियरे बेरेंडी कुबर्टिन ने 1896 में फिर से इसको शुरुआत किया आधुनिक ओलंपिक को। नेक्स्ट है, पाद दौड़ के लिए ग्रीसवासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते थे। तो उसमें सीधा पथ बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, पेंटाथलान में पेंटा और एथलान से क्या अर्थ होते हैं। तो दोस्तों, पेंटाथलान यानी पांच पत्ते, इसका अर्थ क्या होता है? पांच पत्ते। जैसे कि दोस्तों जो मिक्स्ड स्पर्धाएं हैं, मिश्रित स्पर्धाएं हैं, उसमें आपका आता है डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, ट्राइथलान। इन चारों के बारे में आप जानना चाहते हैं और ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद करना चाहते हैं, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, तो उस एथलेटिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, डेकाथलान, पेंटाथलान, हेप्टाथलान, ट्राइथलान के बारे में। जैसे कि दोस्तों पेंटाथलान में पांच क्रियाएं आती हैं, तलवारबाजी, तैराकी, फ्री स्टाइल, और तीसरा आता है आपका हॉर्स रेस, चौथा आता है निशानेबाजी, पांचवा आता है आपका क्रॉस कंट्री थ्रो दौड़ आधुनिक पेंटाथलान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी। तो दोस्तों, ग्रीक के महान दार्शनिक है प्लेटो, जिन्हें आदर्शवाद का जनक कहा जाता है, मल्ल युद्ध में दक्षता इन्होंने प्राप्त की थी।
नेक्स्ट है, लेजियम का संस्थापक कौन था? तो लेजियम का संस्थापक अरस्तु थे, अरस्तु, जिन्हें यथार्थवाद का जनक, रियलिज्म का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए? तो यह सबसे पहले निर्धारित किया गया था गेलन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्लेस्ट्रा और डिडास के लिए प्रसिद्ध थे, तो यह कहां प्रसिद्ध थे दोस्तों? यह प्रसिद्ध था एथेंस में। प्लेस्ट्रा यह व्यायामशाला होता था और डिडास के लिए एक संगीत विद्यालय होता था एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम में कोलोजियम किस लिए प्रसिद्ध था? तो रोम में जो कोलोजियम होता था दोस्तों, वह लोगों के मनोरंजन के लिए किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मल्ल युद्ध को के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों के सही संयोग का द्योतक है? तो दोस्तों, हमारे ओलंपिक झंडे में पांच छल्ले लगे होते हैं, जो पांच महाद्वीपों का प्रतीक होता है। ये पांच रंग होते हैं, पांच छल्ले पांच रंग के होते हैं, जो डब्लू के आकार का प्रदर्शित होता है। और ये पांच रंग के छल्ले होते हैं नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और इसमें नीला जो है वह यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का प्रतीक है, काला अफ्रीका का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, लाल अमेरिका का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए? तो दोस्तों, 1916, 1940, 1944 ये तीन ओलंपिक खेल थे जो विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए थे। यहां पे 1940 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल कूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया था? दोस्तों, 1913 में बैरन पीरेडी कुवर्टिन के द्वारा ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था और सबसे पहली बार इसको फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है सर दोराबजी टाटा जी को। ठीक है, इन्होंने IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिए जाते थे? तो उस समय दोस्तों, काओ यानी कि जंगली जैतून के पत्तों के ताज पहनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया था ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने। और 1896 में इसको शुरू करवाने का श्रेय किसको जाता है? बैरन पीरेडी कुवर्टिन को। और किस स्टेडियम में हुआ था? एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट है, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? तो महिलाओं ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कूदों में आधुनिक पेंटाथलान जिसमें पांच खेलों वाली एक सम्मिलित खेल आइटम होता है में इवेंट्स यानी खेलकूद कार्यक्रम ही प्रतियोगिता अथवा दौड़ों में क्या है? तो दोस्तों, इसमें पांच, पेंटाथलान का मतलब होता है पांच पत्ते यानी कि पांच क्रियाएं इसमें होती है, जिसमें से आपका तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल और घोड़ा रेस और निशानेबाजी और क्रॉस कंट्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, अश्वारोहण, तलवारबाजी, शूटिंग, तैराकी और गांवों की ओर दौड़, जिसे क्रॉस कंट्री दौड़ कहते हैं। ये पांच क्रियाएं आधुनिक पेंटाथलान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में तीन प्रविष्टियों की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? ओलंपिक खेलों का आयोजन 1906 में किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के प्रवंचकों को क्या सजा दी जाती थी?
तो प्राचीन ओलंपिक के प्रवंचकों को उन्हें हंटरों से पीटा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषिक जीते? तो वो थे किंग नीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किए गए? तो दोस्तों सबसे पहले 1904 में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1904 में। नेक्स्ट है, कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक बैरन पियरी कुबर्टिन की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु हुआ था 1937 में, ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, 1986 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 13 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों ओलंपिक शपथ सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में दिया गया, और झंडा भी सबसे पहले फहराया गया ओलंपिक झंडा 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च स्थल रहा है? सर्वोच्च यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर सबसे पहले कौन कराया गया था सर्वोच्च स्थल? तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस पद इंगित करता है? तो दोस्तों ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस। क्या है? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, यानी और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। सीटीएस का अर्थ होता है और तेज, आरटीएस का अर्थ होता है और ऊंचा, हायर, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, और फोर्टीएस का अर्थ होता है स्ट्रांगर, यानी कि और बलशाली। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, द्रुत तर, यानी कि और तेज। जैसा कि दोस्तों ओलंपिक आदर्श वाक्य होते हैं सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, जबकि इसमें एक नया शब्द भी जुड़ गया है। अब ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस और कम्युनिटर है। क्या है? कम्युनिटर। इस प्रकार इसको कहेंगे सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी कि एक साथ, टुगेदर, जो चौथा शब्द जुड़ा है कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर, यानी एक साथ, एकजुट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जुड़े रहिए इसी तरह पार्ट बाय पार्ट अपनी रिवीजन करने के लिए। और जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, अपने समय का ध्यान रखिए, एक सेकंड भी आप अपने समय को कहीं और व्यतीत मत कीजिए, यही आपका गोल्डन समय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।